শাহরুখ খান কোন? আমি কিয় চিন্তা করো আমার ইয়াত কত শাহরুখ খান আছে। फिल्म पठान की रिलीजिंग डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे फिल्म पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी बढ़ती जा रही हैं। बता दें अब आलम यह है कि सिनेमा घर के मालिक तक फिल्म को रिलीज करने से डर रहे हैं। वहीं अब बढ़ते विवादों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कौन है शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान को नहीं जानता। इसके अलावा फिल्म देखने के सवाल पर बोले मैं नहीं देखूंगा फिल्म। हेमंत बिस्वा ने ऐसे क्यों कहा, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल असम के नारेंगी में स्थित एक सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की फिल्म पठान दिखाई जाने वाली थी, लेकिन बजरंग दल ने हिंसा कर इसे रोक दिया। मीडिया ने इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया था, जिस पर शर्मा ने जवाब दिया शाहरुख खान कौन? खान ने उन्हें इस समस्या को लेकर नहीं बताया। मुझसे बॉलीवुड के कई लोग बात करते हैं, वो भी बताएंगे तो हम इसको देखेंगे। वही जब रिपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, तो शर्मा ने कहा कि राज्य के लोगों को हिंदी के बजाय असमी फिल्मों के प्रति चिंतित होना चाहिए और अगर कट्टरपंथियों ने कानून का उल्लंघन किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कट्टरपंथी संगठन के स्वयंसेवकों ने फिल्म के पोस्टर फाड़कर उन्हें जला दिया, जिस पर हेमंत बिस्वा ने ये बयान दिया है। गौरतलब है बीते दिनों पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दूसरे दिन बिना किसी का नाम लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि फिल्मों पर गैर जरूरी टिप्पणियों से बचना चाहिए, ऐसे मुद्दों से जितना बचा जाए उतना ठीक होता है। फिल्म पर ऐसी टिप्पणियां विकास के एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल देती है। वहीं अब उन्हीं के पार्टी के नेता का ऐसे बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।